जो यूपी ट्रिपल एस सी ने पैट में सिलेबस दिया हुआ है उसमें एक चैप्टर आपका है ये कथन और निष्कर्ष। आज हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, हर एग्ज़ामों में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो कथन और निष्कर्ष पहले समझें कि क्या है ये। तो दो बातें इसमें दिख रही हैं आपको, एक तो स्टेटमेंट यानी कथन, दूसरा एक शब्द है आपका निष्कर्ष। तो इसके बारे में पहले जानें, कथन का मतलब कोई ऐसी चीज़ें कथित होंगी, दिया होगा कोई स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सवाल में आपको वही मानना है। भाई यहाँ पर सवाल, यहाँ पे जो चैप्टर है वो कथन निष्कर्ष से है, तो आपको क्या पहले से पता है या आप अपनी बातों को उसमें अप्लाई नहीं करेंगे, जो आप जानते हैं आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे, जो सवाल कह रहा है आप उसे मानेंगे। तो कथन में यहाँ पे जैसे ये कह दिया गया, कथन में सभी सेब केले हैं, सभी सेब केले, ये कथन कह रहा है भाई कि सेबों को ये केला कह रहा है, तो आप सेब को केला थोड़ी कहेंगे, लेकिन अगर कथन कह रहा है तो आप उसको मानेंगे, है ना। तो यहाँ पर कथन का मतलब कुछ भी दिया होगा स्टेटमेंट, उससे आपको समझना है, और इन्हीं कथनों से कुछ निष्कर्ष दिए होंगे, इन्हीं कथनों से निष्कर्ष दिए होंगे, और आपको बताना रहता है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है या कौन सा गलत है। आपसे सही पूछा जा सकता है या गलत पूछा जा सकता है, कौन सा इससे निष्कर्ष निकलेगा। तो निष्कर्ष यहाँ कुछ भी दे दिया, मान लिया कुछ सेब केले हैं, तो यहाँ पर हमने ये बताया कि ये इस तरह से कथन दिया होगा और इस तरह से ये निष्कर्ष दिया होगा। तो आपको समझना है कि इस कथन से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। यदि निकल रहा है तो वो सत्य होगा, और नहीं तो वो असत्य होगा, यानी गलत होगा, ठीक है। तो आपको यही बताना है, तो आप इसको वेन डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे। आपको हमने पहले पढ़ाया भी है वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम से इन चीज़ों को हम बनाएंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। अच्छा, एक निष्कर्ष और एक बात और आती है, संभावना, ठीक है। आपको हम ये भी बताएं, निष्कर्ष अगर किसी चीज़ का निकल रहा है तो वो 100% सत्य होगा, निष्कर्ष निकल रहा है तो वो 100% सत्य होगा, उस बात को कोई भी देखेगा सत्य ही, अगर वो निष्कर्ष निकला है तो हर एक के नज़रिए से वही निष्कर्ष निकलेगा। भाई आप किसी बात को सही कह रहे हैं तो अगर वो निष्कर्ष निकल रहा है और वो सही है तो कोई भी आएगा उस बात को सही ही बताएगा, लेकिन संभावना में यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है उस चीज़ के सही भी होने की, गलत भी होने की। तो कभी अगर ये संभावना पूछता है तो संभावना के 100% सही होने के चांसेस नहीं होते, संभावना हो भी सकती है कि 100% सही हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 90% सही होने के चांस हो सकता है गलत होने के चांस हो। तो आपको ये क्लियर कर लेना है, निष्कर्ष वो होगा जो 100% सत्य हो और हर एक की नज़र से सत्य हो। आप जो कह रहे हैं अगर सत्य है, निष्कर्ष वो होगा जो अगला बंदा आए तो भी उसको वो सत्य प्रूव करे, है ना। तो वो कोई भी होगा, अगर वो सही है तो निष्कर्ष होगा तो वो सबके नज़र से एक ही आंसर उसका मिलेगा, या तो सही या तो गलत, संभावना में ये बदल सकते हैं, ठीक है। देखें, अब हम इसको आपको वेन डायग्राम के माध्यम से एक एक करके हम बताते हैं कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करने हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या आपको जानना है। तो आज हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम अगले वीडियो में आपको एक वीडियो इसका और बनाएंगे, उसमें हम आपको सवाल क्वेश्चंस कराएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर, कथन सभी ए बी हैं, हमने यहाँ लिखा सभी ए बी हैं। तो सबसे पहली बात, आपको इनसे वेन डायग्राम ड्रा करना आना चाहिए। तो वेन डायग्राम अगर ड्रा करना नहीं आता तो आप देख लें, आपको हम बता रहे हैं कि सभी ए बी हैं, तो इसको थोड़ा सा और ओपन करना चाहें, कुछ शब्दों को हम ले रहे हैं जैसे ग्राम, ठीक है, ग्राम हो गया, तहसील हो गई, जनपद हो गया, राज्य और देश, अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी हुई है वेन डायग्राम में आपको मेंशन करना है तो आप ग्राम को सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया ग्राम, उसके ऊपर बनेगा तहसील, उसके ऊपर बनेगा जनपद, उसके ऊपर बनेगा राज्य और उसके ऊपर बनेगा देश। तो इससे हमें समझना क्या है, जो गांव होंगे
भाई अगर कोई गांव है, एक गांव, दो गांव, तीन, चार, जो भी होंगे, तहसीलों में कई गांव का समूह होता है, तो जो सारे गांव हैं वो किस में होंगे? तहसील के अंदर। और जो तहसीलें हैं वो किसके अंतर्गत होंगी? जनपद के अंदर। और जो जनपद या जिले हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के। यानी सारे जिले जो होंगे वो राज्य के अंदर होंगे, या हम कहें कि सारे राज्य, सभी राज्य किसके अंदर होंगे? देश के। ये वृत्त आपको राज्य को दर्शा रहा है, तो सभी राज्य किसके अंतर्गत आएंगे? देश के। तो इसी तरह से देखना है कि सभी ए बी हैं, तो सभी ए, जितने भी ए होंगे वो कहाँ होंगे? बी के अंतर्गत। तो देखिए इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। सभी ए बी है, तो सबसे पहले हम फिगर बना रहे हैं इसका, वेन डायग्राम। एक आप वृत्त बनाएंगे, किसका? ए का। तो ये हो गए सभी ए, और ये कह रहा क्या है? ये बी है। इसका मतलब ये कि बी के अंतर्गत है। तो जो बाहर हमने वृत्त बनाया वो बी है, जो अंदर बनाया वो ए है। अब इसको आप, यदि हम यहाँ पे छोटा सा ऐसा वैल्यू दे देते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है? 50, और इसकी वैल्यू हमने मान लिया 100 है। सपोज करें आप, ए की वैल्यू हमने 50 माना है, बी की वैल्यू हम 100 मान रहे हैं। मतलब जितने ये ए हैं, ये जो ए हैं 50, वो किसके अंतर्गत हैं? किसके अंतर्गत हैं? बी के। यानी ये पूरा ए बी के अंतर्गत है। भाई बी में 100 लोगों की संख्या, हम ये मान लेते हैं कि बी जो है वृत्त 100 लोगों के रहने के लिए है, और ए जो है वो 50 का है। तो भाई ए जो है वो बी के अंदर पूरा आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कह रहा है सभी ए बी है। तो पहला फिगर आपका बन गया सभी ए बी है। अब इस चीज को, जैसे हम ये कहें एक फिगर और भी बन सकता है, लेकिन आप जनरली इसी का उपयोग करेंगे। दूसरा फिगर क्या बन सकता है? इसी के ऊपर एक वृत्त और बन गया, यही ए होगा और यही बी होगा। सभी ए बी हैं, यानी सभी ए बी के अंदर हैं। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू दोनों बराबर है, ए बी की वैल्यू दोनों बराबर है। मान लिया ए की वैल्यू x है, तो बी की वैल्यू भी x होगी। तो अगर 50 ए होंगे और बी भी 50 होंगे, तो सारे ए बी के अंदर है, सभी ए बी के अंदर है। तो ये भी फिगर बन सकता है, ये भी फिगर बन सकता है, लेकिन निष्कर्ष वो होगा, निष्कर्ष वो होगा जो दोनों फिगरों से आए। अगर इस फिगर से कोई निष्कर्ष निकल रहा है, इससे नहीं निकल रहा है, तो दोनों में आप देखेंगे एक से निकला, दोनों से निकला, इससे निष्कर्ष कुछ और निकला, इससे निष्कर्ष कुछ और निकला, तो वो निष्कर्ष नहीं होगा। जो निष्कर्ष इस वाले फिगर से भी आए और इस वाले फिगर से भी आए, वही आपका फाइनली निष्कर्ष होगा। और यदि इसमें एक में आता है, दूसरे में नहीं आता, तो उस बात की संभावना होगी। यदि एक फिगर में आपका कोई निष्कर्ष निकल रहा है, दूसरे में नहीं निकल रहा है, तो वो क्या होगी? संभावना। और यदि दोनों में से एक बात निकल रही है, तो वो आपका फाइनली निष्कर्ष होगा। जैसे हम इन दोनों फिगरों से देखें, अगर तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान दें। यहाँ पर ए हमने कहा कि 50 मान लिया, और बी को हमने मान लिया कि 100 है। यहाँ हमने ए और बी दोनों को 50 मान लिया, ठीक है। ए के बराबर ही बी है, तो सारे ए बी के अंदर हैं। अभी भी बी का घेरा जितना है, तो बी उसी के बराबर है, तो ए भी उसी में सिमटा हुआ है, ठीक है। अब आप देखें, निष्कर्ष अगर हम कहें, तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? तो आपको समझना क्या है, यदि ये सभी हैं, जैसे हम कहें क्लास में सभी बच्चे अच्छे हैं, यदि हम ये एग्जांपल लें कि क्लास में सभी बच्चे अच्छे हैं, पहली वाली बेंच पे बैठे चार बच्चों की बात करें, तो क्या वो अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल अच्छे होंगे। आप कहेंगे भाई जब सभी क्लास के बच्चे अच्छे हैं, तो आप पहली बेंच पे बैठे बच्चों की बात करें, तो वो भी तो अच्छे होंगे। और वो जो चार बच्चे हैं, वो सभी नहीं हैं, वो क्या हैं? कुछ बच्चे हैं। वो उस कक्षा के कितने बच्चे हैं? कुछ हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर सभी स्टेटमेंट दिया है, तो उससे कुछ का निष्कर्ष निकलेगा, उससे कुछ का निष्कर्ष निकलेगा। हम यहाँ लिख रहे हैं पहला निष्कर्ष, इससे क्या निकलेगा? सभी ए बी दिया हुआ है, हम निष्कर्ष निकाल के लिख रहे हैं जितने निष्कर्ष यहाँ से निकल पाए। तो पहला हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। बताइए ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हमने कहा कि कक्षा में पूरे बच्चे कितने हैं? 50 हैं। कक्षा में 50 बच्चों हैं, 50 बच्चे ये कह रहे हैं अच्छे हैं। हमने कह दिया पूरी कक्षा अच्छी है और वो 50 लड़कों की है। कोई आया एक बेंच या दो बेंच को कहा और ये बच्चों के बारे में पूछें, तो हम तो बता सकते हैं कि इस बेंच के बच्चे भी अच्छे होंगे, और वो बच्चे 50 नहीं है, कितने हैं? कुछ हैं। तो इस 50 में से जो कुछ को लिया गया, वो भी क्या होंगे? अच्छे। यानी कुछ ए बी हैं। और यदि कुछ ए बी हैं, तो आप बताएं, अब हम यहाँ से दूसरा निष्कर्ष निकालेंगे, यदि कुछ ए बी होंगे, तो कुछ बी ए भी होंगे।
यदि ए की प्रॉपर्टी बी में है तो बी की प्रॉपर्टी ए में कुछ होगी। जैसे देखिए यहाँ तक ए है और बी का पूरा एरिया है, तो ए जो बी है वो पूरे एरिया में है, तो बी का एरिया यहाँ भी तो आ रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि बी 100 लोगों की संख्या है, तो यहाँ तक में तो 50 लोग बी के भी हैं और 50 यहाँ पे बाहर हैं, तो ए वाले में 50 हैं जो वो बी के भी हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो बी है यहाँ पर बी वो 100 तो नहीं है, कितने हैं, कुछ हैं, ये 50-25 जो भी होंगे। तो यहाँ पर जो बी हैं वो पूरे तो नहीं है, पूरे कितने हैं, 100। तो यहाँ पर जो बी हैं कितने हैं, कुछ हैं। तो यहाँ से हम दूसरा निष्कर्ष क्या निकालेंगे, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए है। दो निष्कर्ष आपके क्लियर हो गए। तीसरा निष्कर्ष, तीसरा अगर हम कहें यहाँ पर सभी ए बी जो दिया गया है स्टेटमेंट, वो निष्कर्ष नहीं होगा। स्टेटमेंट जो दिया गया है वो कभी आपका कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें कि क्या सभी बी ए हैं, सभी बी ए, तो सभी बी ए के बराबर या ए के अंदर है, नहीं है। तो यहाँ से अगर हम तीसरे निष्कर्ष को कहें सभी बी ए नहीं है, ठीक है। इस फिगर से क्या निकल गया कि सभी बी यानी जो 100 हैं वो ए, 100 ए के अंदर तो है नहीं, ए में क्षमता है 50 की, तो 100 नहीं आ सकते, सभी बी ए नहीं है। ये तीन निष्कर्ष इस वृत्त से हमने लिखा, इस फिगर से हमने लिखा। अब ये जो दूसरा हमने बनाया है, या तो ये अगर फिगर केवल आ जाता है तो फिगर दोनों ही सही है, आप इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। ये मैक्सिमम का केस है, ये कौन सा केस है, मैक्सिमम का, और ये कौन सा केस है, मिनिमम का। ये केस है मिनिमम का। यहाँ से निष्कर्ष निकालें तो ए और बी दोनों बराबर हैं। तो पहला निष्कर्ष, अगर यहाँ पे हमने बताया कि 50 होंगे, तो जो 50 हैं उसमें से कुछ की बात करेंगे, तो यहाँ 50 हैं, तो अगर हम 10 की 20 की बात करें तो कुछ होंगे। सभी ए बी हैं तो कुछ ए भी बी होंगे। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या निकल जाएगा, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। क्यों, क्योंकि सभी ए बी हैं। और जब हम कह रहे हैं कि सारे बच्चे अच्छे हैं, ठीक, निष्कर्ष होंगे वो कौन से होंगे, हमने बताया कि हर आदमी जिस बात को सही कहेगा वो निष्कर्ष होगा, और किसी को कह रहा है ये गलत है ये सही है, यानी इस फिगर से निकल रहा है इससे नहीं निकल रहा है। अगर इससे निकला इससे नहीं निकला तो वो निष्कर्ष नहीं होगा, संभावना होगी। और इस फिगर से भी जो निष्कर्ष निकल जाए, जो बात निकल जाए इससे भी वही बात निकले तो वो निष्कर्ष होगा। आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ से भी बात क्या निकल गई, कुछ ए बी हैं, और यहाँ भी निकला है कुछ ए बी हैं, इसका मतलब ये 100% सत्य है और ये निष्कर्ष होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो बी है वो बी ए के बराबर है, तो सभी बी ए हैं, यहाँ पर सभी ए बी हैं ये कथन में कहा गया है, और यहाँ ए बी बराबर होंगे तो सभी बी ए भी होंगे। तो हम यहाँ इसको नीचे लिख रहे हैं तीसरे में, सभी बी ए हैं, और अगर सभी बी ए हैं, बी ए के बराबर है तो सभी होंगे। तो हमने कहा कुछ तो आएगा ही, कक्षा में सभी लड़के अच्छे हैं तो दो चार लड़कों की बात करेंगे वो भी अच्छे ही होंगे, वो कुछ होंगे। तो यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा आपका, वो आएगा कुछ, दूसरा निष्कर्ष आएगा कुछ बी ए हैं। ये तीन निष्कर्ष आपके निकले इस फिगर से और तीन इससे निकले हैं। अब आप देखें कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, दोनों में आया, इसका मतलब ये क्या निष्कर्ष है, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, ये दोनों में आया, इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष है। यहाँ पर लिखा है सभी ए बी नहीं है, यहाँ लिखा है सभी बी ए हैं। भैया एक बता रहा है कि सभी बी ए हैं और एक बता रहा है नहीं है, तो मार हो जाएगी ना, एक आदमी कहेगा है एक आदमी कहेगा नहीं है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष नहीं है। इस बात के होने की यहाँ संभावना थी, इस बात के यहाँ होने की संभावना थी, लेकिन ये दोनों बातें एक दोनों फिगर में नहीं आ रही हैं। अगर दोनों में नहीं आ रही तो ये केवल संभावना होगी, ये निष्कर्ष नहीं होगा। तो इतने से दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा संभावना और निष्कर्ष में अंतर, और फिर एक फिगर, एक ही बात के एक ही कथन के दो जो फिगर बने हैं उससे हमने निकाल के आपको दिखा दिया। जनरली आपको फिगर यही लेके चलना है, लेकिन कभी फिगर ही पूछ ले कि इसका क्या होगा, तो दोनों फिगर ही इसके आंसर होंगे, दोनों में से जो दिया गया होगा वो आंसर होगा, या करके दिया गया है तो भी दोनों चल जाएंगे। एक हमने ले लिया सभी ए बी हैं, अब हम आते हैं कुछ पे, ठीक है, आना है, आना है, कब करें हैं। दूसरा टाइप, एक हमने बता दिया आपको क्या कि सभी ए बी हैं, और दूसरा टाइप हमने लिखा हुआ है कुछ ए बी हैं। सबसे पहला तो आपको फिगर बनाना चाहिए, कुछ ए बी हैं, तो कुछ का फिगर आप ऐसे बनाएंगे,
कुछ ए यानी ए के जो पार्ट हैं इसमें से कुछ बी हैं, तो एक फिगर ए का है, दूसरा किसका है, बी का। और जो एरिया यहाँ पर है वो कह रहा है कि ये कुछ एरिया है, पूरा एरिया नहीं है, पूरा ए मान लीजिए अगर 50 है, ए की वैल्यू हमने क्या मान ली 50, बी की वैल्यू आप कुछ भी मान लो 50, 60, 70, यहाँ से 10-5 लोग जो हैं वो बी में भी हैं, ए में भी हैं। जैसे हम कह दें कि एक बच्चा है जो अंग्रेजी भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, तो ये हिंदी पढ़ने वाले, ये अंग्रेजी पढ़ने वाले, और ये दिखा रहा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले को, इस तरह से ये कॉमन हो गया। तो ये एरिया दिखाएगा कुछ ए बी है, तो ये स्टेटमेंट दिया गया। अब इससे कुछ ए बी हैं, तो अभी हमने एक फिगर आपको यहाँ पे बताया था कि इस तरह से सभी ए बी हैं, तो इससे हम निष्कर्ष आपको निकाल के क्या दिखाए थे, इससे ये निष्कर्ष निकला था कि सभी ए बी होंगे, तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ ए बी हैं, सभी ए बी होंगे, तो सभी में से जो कुछ होंगे वो क्या होंगे, बी होंगे। तो ये अभी निष्कर्ष निकला था, इसका मतलब ये, इससे निष्कर्ष निकला है तो इसका फिगर ये भी बन सकता है। लेकिन ये ऐसा केस कब होगा, जब ये फिगर ना दिया हो या फिर अथवा में दिया हो, तो ये मैक्सिमम वाला केस आपको नहीं लेना है, मिनिमम वाला लेके चलना है। मिनिमम वाला केस ना मिले या फिर संभावना में कोई चीज़ दी हुई हो तो आपको मैक्सिमम वाला केस लेना है, ठीक है। इसको हमने बता दिया, इस निष्कर्ष से ये भी चीज़ निकली थी, तो आपको यहाँ पर फोकस करना है। कुछ ए बी है स्टेटमेंट में दिया गया है, तो आप बताओ ये जो बी का एरिया है वो भी तो ए में है, तो सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकल जाएगा कि ये जो बी हैं वो क्या हैं, ए हैं। तो हम यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे कुछ बी ए है। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, कुछ ए का एरिया बी में है तो कुछ बी का एरिया भी ए में है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकल गया कुछ बी ए है। अब इसके अतिरिक्त जब भी आएगा क्वेश्चन तो एक बात और आपको याद रखनी है, सकारात्मक सेंटेंस होगा तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। सकारात्मक सेंटेंस का जो निष्कर्ष आएगा वो नकारात्मक कभी नहीं होगा, यानी सकारात्मक सेंटेंस के निष्कर्ष में ऑप्शन में आपको नकारात्मक दिया है तो आप उसको जनरली कट कर देंगे पहले ही, उसको आपको सोचना ही नहीं है कि सही होगा कि गलत होगा। सकारात्मक से नकारात्मक आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक आपको निष्कर्ष क्या मिल गया, कुछ बी ए है। अब यहाँ पर हम अगर कहें, देखें इस फिगर से भी अगर हम देखें तो कुछ बी, अभी हमने बताया कि जब ये बी वाला एरिया इतना पूरा है तो यहाँ भी तो बी होंगे, तो कुछ बी ए आएंगे, यानी ये इस फिगर में भी आएगा, तो इस फिगर में भी आएगा, इस फिगर में आएगा, दोनों में सत्य होंगे। अब यहाँ कहें कि सभी बी ए नहीं है, यहाँ पर सभी बी ए नहीं है और यहाँ भी सभी बी ए नहीं है, ये निष्कर्ष तो आ जाएगा। लेकिन हमने क्या एक चीज़ और बताई आपको कि सकारात्मक सेंटेंस होंगे तो नकारात्मक उसमें निष्कर्ष नहीं निकालेंगे आप, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ऐसा कह सकता है, यहाँ पे तीसरे पे चलते हैं, कोई ए बी नहीं है, ये कह रहा कि कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ए का बी से कोई तालमेल नहीं है, तो ए अलग बन जाएगा और बी अलग बन जाएगा। यहाँ से ए का बी से कोई लेना देना नहीं है, तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा भैया, जब ए बी को नहीं जानता तो बी ए को भी नहीं जानेगा, इसका मतलब हो गया कोई बी ए नहीं है। बस एक ही निष्कर्ष निकलेगा, जब कोई ए बी नहीं है या कोई ए बी को नहीं जानता तो कोई बी ए को भी नहीं जानेगा, बी का रिलेशन ए से नहीं है, ए का रिलेशन बी से नहीं है, तो ये इसका एक ही निष्कर्ष निकलेगा, क्लियर। अब हम आते हैं, अभी हमने एक एक कथन लिया, अब एक ही कथन में यहाँ पर दो दो लाइनें दी होती हैं, जैसे अभी हमने ए बी लिया फिर बी सी ले सकता है, तो हम दो को जोड़ करके बताएंगे कि उससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक यहाँ पर केवल दो बातें ए बी आ रही थी, अब वहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, तो उनको दो को, किसी दो कथन को हम कब जोड़ सकते हैं, जब कथन उसमें कथन का कोई पद अगले में इंक्लूड हो। जैसे हम कहें यहाँ पर हम ले रहे हैं सभी ए बी हैं, एक कथन हो गया, इसी में आगे कह रहा है सभी बी सी हैं, ये कथन इस कथन से तभी जुड़ेगा जब इसका कोई पद अगले पद में हो। यहाँ पर ए बी हैं और यहाँ पर बी सी, तो
तो चाहे ए या बी इसमें से कोई आ जाएगा तो ये कथन इससे जुड़ेगा। अगर ए बी के बजाय यहाँ पर सी डी दे दे, अब यहाँ पर ए बी दिया सभी ए बी हैं और यहाँ लिख देता सभी सी डी हैं, इसका मतलब ए बी और यहाँ सी डी, तो ये कथन एक दूसरे से आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इसका पद इसमें कॉमन नहीं है। पद जब कॉमन होगा तभी ये कथन एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। अब देखें इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसको हम बता चुके हैं सभी ए बी होंगे तो ए जितने भी हैं वो बी के अंदर होंगे, सभी ए बी के अंदर होंगे। फिर कह रहा है सभी बी सी हैं, आप भूल जाओ कि ये दो वृत्त हैं, बगल वाले बड़े वाले को देखो वो बी है, और कह रहा है कि बी सारे सी हैं तो बी सभी किसके अंदर होंगे सी के, बी सभी किसके अंदर होंगे सी के, इससे आपका बन गया फिगर। और यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलेंगे इनसे, इनसे सारे निष्कर्षों को हम यहाँ लिख रहे हैं और आप देखें एक एक करके कि क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, जो स्टेटमेंट है वो निष्कर्ष में नहीं आएगा। शुरुआत करते हैं हम ए से बी की ओर चलेंगे फिर सी की ओर चलेंगे। सभी ए बी हैं, पहले आप याद करें पहले क्वेश्चन में जो हमने पहला कथन लिखा था सभी ए बी हैं, उसमें आपको हमने क्या बताया कि अगर सभी लड़के अच्छे होंगे तो इसमें से जो दो चार छः लड़कों की बात करेंगे तो वो भी जाहिर सी बात है वो अच्छे होंगे, यानी कुछ ए सभी ए बी हैं, तो आपका निष्कर्ष ये ऐसे ही आ जाएगा कि कुछ ए बी हैं, सभी अच्छे हैं तो कुछ भी अच्छे होंगे। अब हम दूसरी बात करें, यहाँ से बी का हमने लिया, ए से सी का ले लें तो ये ए सी के अंदर भी है और ए जो है सी के अंदर कितना है, पूरा ए सी के अंदर है, तो दूसरा सेंटेंस दूसरा निष्कर्ष यहाँ से क्या लिखेंगे, सभी ए सी हैं, क्या लिखेंगे सभी ए सी हैं, बताइए सभी ए सी के अंदर हैं कि नहीं है, है तो सभी ए सी के अंदर हैं, सभी ए बी के भी अंदर थे हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिया है तो निष्कर्ष में वो नहीं लिखा जाएगा और ये चीज स्टेटमेंट में नहीं दिया है इसको हम निष्कर्ष में लिखेंगे, सभी ए सी के अंदर हैं तो सभी ए सी हैं। अगर सभी आ जाएगा तो बिना सोचे समझे कुछ लिख देंगे, तो यहाँ से क्या लिख देंगे कि कुछ ए सी हैं, सभी आ गया तो कुछ होंगे ही। और फिर यहाँ से लेते हैं चौथा पॉइंट, ए से हमने बी को ले लिया, ए से हमने सी को ले लिया, अब इसका अपोजिट भी आप लिख सकते हैं, आपको हमने बताया अगर ए कुछ बी में होंगे तो बी भी कुछ ए में होंगे, ये आपको निष्कर्ष पहले क्वेश्चन में बताया, तो यहाँ लिखा है कुछ ए बी हैं तो इसका अपोजिट आप लिख सकते हैं बिना सोचे समझे कुछ बी ए हैं, और यहाँ लिखा है कुछ ए सी हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कुछ सी ए हैं, कैसे देखें ये सी का पूरा एरिया है तो जो सी यहाँ पे हैं वो किस में होंगे ए में, तो यहाँ पे पूरा सी तो आ नहीं जाएगा, सी तो इतना है तो यहाँ पे जो सी होंगे वो कुछ होंगे और वो क्या हैं ए हैं, तो कुछ ए कुछ सी ए हैं, इतनी बातें हो गई। अब आपको अगला पॉइंट क्या यहाँ से मिल सकता है, यहाँ पर लिखा है सभी बी सी हैं, भाई सभी बी सी हैं तो बी का कुछ पार्ट जो होगा, कुछ पार्ट सभी नहीं कुछ पार्ट, सभी हैं तो कुछ तो आएगा तो सभी में से कुछ निकालेंगे, कुछ बी सी हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे कुछ बी सी हैं, देख लीजिए रिपीट तो नहीं हुआ, ए बी हुआ ए सी हुआ, अब हम बी सी पे आए तो सभी को दिया हुआ है तो यहाँ से लिखेंगे कुछ बी सी है, और जैसे ही बी सी में आएगा वैसे ही सी बी में आ जाएगा, नीचे आ रहा नीचे नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं हम अगला पांच तीन चार पांच छः सातवां पॉइंट यहाँ पे आपको हम लिख रहे हैं कुछ बी सी हैं, तो हमने बताया आपको बिना सोचे समझे लिख देना है कि कुछ सी बी हैं, क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमने एक दूसरे को अपोजिट लिख दिया, अब आप क्या लिख सकते हैं देखें, यहाँ से एक बात जो निकली है कि सभी ए सी हैं, इसी बात को आपको भूलना नहीं है, सभी ए सी हैं, बाकी सारे निष्कर्ष कहाँ से निकले कुछ में, तो ए का बी से ए का सी का ए, फिर बी का सी से और सी का बी में, कुछ बी सी हैं तो कुछ सी बी होंगे, ये सारे निष्कर्ष निकलेंगे। अब दिए गए ऑप्शनों में चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं या तीन सही हो सकते हैं या दो सही हो सकते हैं या एक, उसके पूछने पर डिपेंड करेगा कि पहला सही दूसरा सही पहला दूसरा तीसरा सही या पहला दूसरा तीसरा चौथा सही, वो दिए गए ऑप्शनों पर डिपेंड करेगा। इस वाले फिगर से इस वाले कथन से इतने सारे निष्कर्ष निकलेंगे और अगर ये निष्कर्ष आपको निकालना आ गया तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम कुछ से लेते हैं जो तीन लोगों में अटैचमेंट दिखाए, देखें अगला कुछ से एक लेते हैं फिर आपको हम कल के वीडियो में
अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कराएंगे और इसके बाद गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगला हम यहाँ पे लिख रहे हैं कथन, कुछ ए बी है और फिर अगली लाइन इसी में कुछ बी सी है। सबसे पहले इसका फिगर बनाएं, तो कुछ ए बी है आपको हमने बताया फिगर, कुछ ए कुछ बी हो गया, कुछ ए कुछ बी, यहाँ पर कुछ ए बी है तो ये ए का फिगर हो गया, ये बी का। अब देखें कुछ बी सी है तो बी को सी थोड़ा सा काटेगा तो बी यहाँ पे है, एक फिगर आपका ये इस तरह से बन गया, तो ये बी को काट रहा होगा कौन सी, कुछ बी का पार्ट किस में है सी में, एक फिगर आपका ये बन जाएगा। दूसरा फिगर आप ऐसा भी बना सकते हैं भाई, बी जो बी का एरिया है उसमें से कुछ सी का है और ये निश्चित नहीं कि सी यहीं पे हो, सी तो बी में कहीं भी हो सकता है, तो आप ऐसा बनाएंगे ए कुछ ए बी है और फिर कुछ बी सी है, तो बी वाले को आप कहीं भी काट दो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका इस तरह से बनेगा, एक इस तरह से बनेगा। हमने बताया फिगर कई सारे बन जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो दोनों में निष्कर्ष निकलेगा वही आपका फाइनल निष्कर्ष होगा, और किसी एक में निकला किसी एक में नहीं निकला तो वो केवल संभावना होगी, वो निष्कर्ष नहीं होगा। इसमें सारे निष्कर्षों को देख लें फिर आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसमें देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पे दिया है कुछ ए बी हैं, तो आपको बताया हमने अगर ए बी होंगे तो भैया क्या निकल जाएगा, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, फिर ये कह रहा है कि कुछ बी सी हैं, इसका मतलब कुछ सी बी होंगे, कुछ सी बी हैं, ये तो बात क्लियर हो ही रही है, ए में बी दिया हुआ है तो बी का ए में आएगा, बी का सी में दिया है तो सी का बी में आएगा, ए का बी से ए का सी से कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, यहाँ हो रहा है, एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा है, तो ए का सी से रिलेशन का आंसर नहीं आएगा, एक में ए का सी से रिलेशन है एक में नहीं है, हमने कहा किसी में आए किसी में ना आए तो वो निष्कर्ष कभी नहीं होगा, जो हर तरीके से सही होगा वो निष्कर्ष होगा। इसमें आ रहा है आप देखें ए बी में है तो बी ए में आएगा, ए बी में है तो यहाँ से आएगा क्या, कुछ बी ए हैं, और फिर यहाँ से बी सी में है तो सी बी में आएगा, क्या आएगा, कुछ सी ए हैं। अब ये कह रहा है कि कुछ ए सी हैं कुछ सी ए हैं, तो आप बताओ यहाँ से निकल रहा है कुछ ए सी हैं, लेकिन यहाँ से ए सी का निकल रहा नहीं, अगर ए सी का नहीं निकल रहा तो इस लाइन को यहाँ पे हम नहीं लेंगे कि कुछ ए सी हैं, अगर ये कहता है तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि इस फिगर से आ रहा है इस फिगर से नहीं आ रहा है, जो दोनों फिगरों से आएगा वो सत्य होगा, वो कथन होगा, तो सॉरी जो निष्कर्ष होगा, तो इस तरह से इसके दो निष्कर्ष निकलेंगे, कुछ बी ए और कुछ सी बी। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर हम कल के वीडियो में आपके क्वेश्चंस लेंगे, लाल पीले नीले केले सेब संतरा, आदमी को जानवर, जानवर को आदमी, सारा बनाएंगे।